इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जला, नीचे से लगाओ भैया, नीचे से। अरे पेट्रोल लाल दो थोड़ा सा यार। मोहन यादव मुर्दाबाद, 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 मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगाओ। अरे नत्ती हुआ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोहन यादव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोहन यादव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोहन यादव इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्ट कुल सचिव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट कुल सचिव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुमसे मुक्ति पाएंगे, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बचाएंगे। राजनीतिक फायदे की कोशिश के कारण विक्रम विश्वविद्यालय की स्थिति बदतर हुई है, और अभी वर्तमान में जो विक्रम विश्वविद्यालय का ग्रेडिंग की गई उसमें हम पहले ए ग्रेड पर थे, अब बी प्लस ग्रेड पर आ गए। कुल मिला के हमारा जो शिक्षा का जो क्वालिटी है, स्तर है, वो नीचे गया। कारण फलस्वरूप हम नीचे पायदान पे आए। बी प्लस ग्रेड आने के कारण करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की राशि जो अनुदान के रूप में हमें प्रतिवर्ष शिक्षा के उत्थान के लिए मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। उच्च क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो जो अनुदान और जो जो नए नए कोर्सेस हमें मिलना चाहिए वो अब आने समय बंद हो जाएंगे। और ताज्जुब की बात यह, आखिर हुआ क्यों? 245 से ज़्यादा कोर्सेस प्रारंभ किए गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, आज हालत ये है कि 245 कोर्सेज जो नए चालू किए हैं उसमें से 60-70% कोर्सेज अभी तक प्रारंभ भी नहीं हुए। जो कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं उसमें टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर्स की कमी है। जो शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की बात की जाती थी अब वो गुणवत्ता विक्रम विश्वविद्यालय की बहुत नीचे चली गई है, और यही कारण है कि NSUI के माध्यम से छात्रों के हित में ये बात हमारे NSUI के पदाधिकारियों ने उठाई है। मैं NSUI के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि छात्रों के हित में और विक्रम विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की गतिविधियों को निरंतर आगे जारी रखेंगे, और शिक्षा के हमारे उज्जैन के जो छात्र हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके वरदस पूरा मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग काम करता है, उनके खुद के शहर में विक्रम विश्वविद्यालय की ये स्थिति है, आखिर क्यों? कुलपति जी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए। जब ये पूरी टीम आई उस टीम के लिए करोड़ों रुपए खर्च अलग हुए। अब कुलपति जी का वक्तव्य है कि वापस 50-50 लाख रुपए जमा करके हम फिर से इसका पुनर्मूल्यांकन कराएंगे। आखिर छात्रों का पैसा उनके शिक्षा में ना लगते हुए दिगर कामों में खर्च हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।